बैतूल की बात करेंगे। शारदीय नवरात्रि पर्व पर नवमी तिथि पर कांग्रेस प्रत्याशी निलय विनोद डागा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। विधायक निलय डागा अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा करके निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और अपना पत्र दाखिल किया है। निलय डागा ने सबसे पहले राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, इसके बाद छोटा राम मंदिर प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद बस स्टैंड से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के बाद प्रचार अभियान की विधिवत शुरुआत उन्होंने कर दी है। डागा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पुनः उन पर विश्वास जताया है, इसलिए पार्टी के इस विश्वास पर भी खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आज नवमी का दिन है, पूरे जिले वासियों को नवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। माता रानी हमारे ज़िले में खूब प्यार बरसाए और खूब आशीर्वाद बरसाए और सुख शांति खुशहाली हमारे ज़िले के अंदर आए। आज हमने नामांकन भरा है और कांग्रेस पार्टी ने जो मेरे पे फिर से भरोसा जताया है उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को, कमलनाथ जी को, कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करी जाएगी। इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। 18 साल के राज में इनका विकास हर बारिश के मौसम में बह जाता है और जो खोखले वादे शिवराज जी पिछले 18 साल से 24,500 घोषणाएं कर चुके हैं, नारियल लेके अपने साथ घूमते थे, आज आचार संहिता लगने के बाद उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उनकी सभाओं में कोई लोग जनता जाना पसंद नहीं कर रही है।